हेलो बच्चों, चलो हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। अब कुछ बच्चों का लग रहा है कि सर आज तो लेक्चर नहीं होता है, जैसे कि आईजे आ जाओ तो थर्सडे से लेक्चर नहीं होता है। यस, ट्यूजडे को लेक्चर नहीं होता है, बट बच्चों आपका सिलेबस भी कवर करना है तो एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेंगे। तो अभी मुझे लगता है कंटिन्यू लेक्चर लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुकी है और ऐसे टाइम पे हम लोगों को लेक्चर लेना सही लगता है। आपको क्या लग रहा है बच्चों, लेना चाहिए कि लेने चाहिए? आपकी ख्वाहिश बता दो बच्चों। हम चाहते हैं कि लेक्चर कंटिन्यू लिया जाए हमारे हिसाब से। एक बार शेयर करो, बच्चों को पता नहीं है आज थोड़ा सा लेक्चर के बारे में। मुझे पता है बहुत सारे लेक्चर को पता नहीं है, क्योंकि हमारे लेक्चर जो होते हैं वो होते हैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे होते हैं। बट अब रेगुलर लेक्चर हो जाएगा। ओके, आज थर्सडे है, फिजिक्स लेक्चर है, बल्क मोटिवेशन। बट बेटा आपकी तैयारी करना पड़ेगी ना, आपका सिलेबस भी कवर करना है। तो चलो यार स्टार्ट करते, बिना इधर उधर की बातें करते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, हम लोगों को एसी और डीसी के बारे में पढ़ना था, एसी एंड डीसी के बारे में पढ़ना था। बच्चों जो एसी होता है उसको ये अल्टरनेट होता है करंट से, है ना? पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। और डीसी मतलब होता है बच्चों डायरेक्ट करंट। डीसी मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। और डायरेक्ट करंट मतलब देखो, डायरेक्ट करंट होता है, ये डीसी डायरेक्ट करंट होता है। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होती है पीरियोडिकली, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे। ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र का चालू है ना बेटा, चालू है ना सोलंकी। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार शेयर करो बच्चों, चलो ठीक है। बच्चों जब एसी सर्किट हो, एसी जनरेटर एसी वोल्टेज ईएमएफ तैयार करता है, हमने ईएमआई में ऑलरेडी देखा। तो वो जो ईएमएफ होता है बच्चों, वो ईएमएफ होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ होता है बच्चों। और ये करंट जो बच्चों, करंट जो होता है ई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फेस ऐड करते बच्चों। कुछ लैग भी होता है, कभी ऐड भी हो सकता है, कभी माइनस भी होता है। लैग होना ओके सर, नो प्रॉब्लम। बट बच्चों को समझेगा कैसे? शेड्यूल को देखा होगा, उन्हें नहीं पता है। आप शेयर करो बल्क बल्क मोटिवेशन। ओके चलो बच्चों, एक्स्ट्रा लेक्चर लेना ही पड़ेंगे, कोई ये नहीं है। तो बच्चों ये ईएमएफ और ये करंट, करंट कभी लीड करता है, कभी लैग करता है। हम लोग ये जो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है जो बच्चों, है ना? हाँ बच्चों, कार्तिक बेटा हम लोग लेक्चर आपके लिए एक्स्ट्रा भी लेने वाले हैं, और साथ में आपका रिवीजन होगा, सब कुछ होने वाला है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते बच्चों। हम लोगों को अगर एवरेज निकालना है बच्चों, क्या करना है? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकालना है। तो एवरेज निकालने का जो फार्मूला है बच्चों, जब करंट हो तो आई का एवरेज निकालते, ए एवरेज 0.637, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है बच्चों। ये आई नॉट क्या है? ये पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट है बच्चों। ये करंट जो है बच्चों, ये पीक वैल्यू हमको चाहिए, तो आई नॉट लिखते हैं। ओके, अगर ईएमएफ का एवरेज निकालना है तो वो भी निकालते 0.637, यहाँ पे आई नॉट। ये पीक करंट को अगर अपने 0.637 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपको एवरेज ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों फटाफट। ये आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो सीधी बात, नो बकवास बच्चों। आरएमएस का मैं यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को ई आरएमएस और आई आरएमएस का फार्मूला लिख के देना चाहता हूँ। आपको आई आरएमएस निकालना है, आई आरएमएस। बच्चों हम लोग जो घर में करंट गिनते हैं ना, वो आरएमएस करंट होता है। कौन सा करंट होता है बच्चों? आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसका करंट निकालना है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालते, मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय रूट टू निकालते बच्चों। डिवाइड बाय रूट टू करो तो आपको आरएमएस करंट मिलता है, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिलता है बच्चों। ठीक है रात। और ई आरएमएस जब होता है बच्चों, ई आरएमएस वो भी निकालना है तो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइड बाय रूट टू होता है बच्चों। इसको
को ERMS भी ERMS कहते हैं। समझे बच्चा? बच्चा बच्चा जानता है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर ज्यादा हर सवाल। बच्चों अगर हम लोगों को यहाँ पे हीट, जैसे कि कोई कंडक्टर में से किसी में से अगर करंट फ्लो हो जाए तो हीट होती है तैयार, तो हीट कितनी होती है? तो आर रेजिस्टेंस आरएमएस करंट का स्क्वायर ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, आर आई स्क्वायर, तो ये आरएमएस करंट है बच्चों, ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। ये फार्मूला देखो, फेसर डायग्राम देख लिए बच्चों, अगर आप लोगों को ये एक्स वाई एक्सिस लेना है, फेसर डायग्राम निकालना है, तो आपको क्या करना है, इससे ये जो है आपका समझो ये होगा हमारा पीक करंट का निकालना है बच्चों, फेस निकालना है। तो ये जो होता है एंटी क्लॉक वाइज जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है बच्चों? एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज मतलब ऐसे जाना है, तो इधर जाना है, तो यहाँ पे अगर करंट की वैल्यू है तो ये होगा हमारा I नॉट कॉस ओमेगा टी, और इस एक्सिस पे होगा I नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों ये जो है ना, इसको आप लोगों को एंटी क्लॉक वाइज जाना पड़ेगा। ओके मतलब देखो, ये रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग ईएमएफ पे, रोटेड वेक्टर पे एंगल बिटवीन देन द फेस डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड ईएमएफ दिखाना है, तो इस रोटेड वेक्टर करके हम लोग दिखा सकते हैं बच्चों। ये आप लोग जब पढ़ेंगे तब पता लगेगा, ठीक है ना, ये फेसर डायग्राम कैसे होता है। हम लोगों को बच्चों अगर हमारा ईएमएफ है जो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करके दोगे क्या वो? सर अच्छा नहीं पढ़ा है सर ने, जल बिल्कुल कर देंगे, रिवीजन में लूंगा, लेकिन जब हम लोग रिवीजन करने वाले उसमें आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक ही नहीं है, पूरे के पूरे चैप्टर करवा के दूंगा, ठीक है, पूरे, ठीक है। एक बार अपने दोस्तों को शेयर करो यार, बल्क मोटिवेशन तूने कब सर को बारे में क्या लेक्चर स्टार्ट हुआ था? हाँ अभी बल्क मोटिवेशन ने भी लेक्चर में दे रहा था, तेने विचार ले माला है ना सर, इस चैप्टर से कितने बच्चों? देखो ईएमआई और एसी कंबाइन बोल के चार या पांच सवाल आने वाले, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट में से, ठीक है। हाँ लेता हूँ बेटा। बच्चों करना क्या है हम लोगों को, ध्यान से देखना, हमारे पास नहीं क्या एक रेजिस्टेंस लेना, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आप लोगों को एसी, ये एसी का सिंबल है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। ये जो होता है ना, ये हमारे घर में बैटरी होती है, सेल सेल होता है बच्चों, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों डीसी सोर्स, इसको क्या कहते हैं? डीसी सोर्स। और ये जो दिखाते हैं ना, जो हमारे घर में होता है, इसको एसी सोर्स कहा जाता है बच्चों। दिखा में तो करता है बेटा, ये जो दिखाते ना हमारे घर में सेल होते, सेल या बैटरी का गड्ढा होगा, ये दिखाते ऐसे प्लस माइनस, ये डीसी सोर्स है बच्चों। और ये जो दिखाते हैं हमारे घर में जो करंट आता है डीपी से, तो हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें जो आ रहा है ना करंट बच्चों, वो एसी सोर्स, ये सोर्स है बच्चों। इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि 230 वोल्टेज है भैया, अगर आपने गलती से कुछ शॉक लग गया तो भैया आप तो फटफड़ 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 करोगे, पता है आपके बाल खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे बच्चों आपके। लेकिन बच्चों इसमें है ना डीसी सोर्स, इसलिए प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोगों को शॉक ना लगे। ये कम होता है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट की बैटरी होती है, 15-20 वोल्टेज का होता है, और आदमी की भैया 50 वोल्ट तक वोल्टेज का शॉक लगा तो आदमी को फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता बच्चों, समझे क्या? ओके तो बच्चों देखो, ये रेजिस्टेंस अक्रॉस में इस्तेमाल करोगे, ये ईएमएफ होता है एसी का ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों ऐसे ही इसका करंट भी निकाला गया, तो करंट मिला इसके इक्वेशन के ये, तो बच्चों देख पा रहे हो इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी ही मिला है। इसीलिए बच्चों इसका जब ग्राफ निकाला गया तो हम लोगों को ग्राफ, बच्चों ये जो ग्राफ है ये ईएमएफ का है बच्चों, ये ई नॉट है, ये जीरो है बच्चों, और ये माइनस प्लस ई नॉट। जब इसमें करंट का ग्राफ निकाला गया बच्चों, ये करंट का है, करंट का थोड़ा सा I नॉट है बच्चों, और यहाँ पे ये माइनस, बात समझ में आ रही है? सेम है सेम। अब ये सेम क्यों है? क्योंकि इसमें कोई फेस डिफरेंस नहीं है बच्चों, इसका फेसर डायग्राम निकाला गया है,
और फेजर डायग्राम में आप लोगों को बच्चों देखो ये जो है मेरा EMF है, पीक वैल्यू ऑफ EMF है, ओके। वैसे बच्चों इसका भी जो करंट का है वो भी सेम है बच्चों आई नॉट, लेकिन ध्यान रखना बच्चों ये करंट का है, ये EMF का है, ध्यान रखना बच्चों, ओके। सर एक ही लाइन पे क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंगल चेंज नहीं हुआ है। सर स्लो मोड ऑफ करो ना, क्यों बेटा क्या हो रहा है? ओके एक बात ध्यान रखना बच्चों, इनका कोई यहां पे ओमेगा टी प्लस ऐड नहीं है, माइनस नहीं, इसलिए सेम है। ये ग्राफ हो गया आपका, यहां पे दिखा सकते हैं, देखो बच्चों पाई बाय टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाय टू, ये टॉइस पाई, ये ओमेगा टी, लेकिन इसमें कोई ईएमएफ का, और देखो इसका ईएमएफ का ई नॉट का और ये है ना बच्चों करंट का, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, आर है रजिस्टर है ना, सेम है बच्चों, कोई फेस डिफरेंस नहीं है इसमें, ओके। चलो आगे बढ़ते बच्चों, हम लोग आगे देखने वाले फेस डायग्राम होंगे। अब इंडक्टर इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे इंडक्टर, ये जो इंडक्टर है बच्चों मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ये इंडक्टर है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस था वैसे, देखो बच्चों ये है इसका इंडक्टेंस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा EMF वही इस्तेमाल किया, E नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जब करंट का इक्वेशन आ गया बच्चों, ध्यान देने वाली चीज थी यहाँ पे, करंट का इक्वेशन मुझे ओरिजिनल में ये इक्वेशन है बच्चों, यही इक्वेशन से कॉस के फॉर्म में, या इसको आई नॉट ऐसे भी बोल सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते इज आई नॉट बच्चों माइनस कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन ओरिजिनल है, बट मुझे ये साइन में है इसको भी साइन में करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, एक्चुअल में करंट का इक्वेशन है आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन, बट बच्चों आप तो जानते हैं ये साइन में चाहिए, तो इसलिए आई इज इक्वल टू आई नॉट है ना, यहाँ पे साइन ओके ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ये फिर आपको समझ में आ रहा है, देखो ये और ये सेम है, बस ओमेगा टी में से पाई बाय टू, मतलब करंट आप लैग कर रहा है बच्चों, करंट क्या कर रहा है, करंट क्या कर रहा है बच्चों, लैग कर रहा है किससे, EMF से लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, करंट क्या कर रहा है बच्चों, लैग कर रहा है, समझ तक भाऊ समझ जाता असल तो एकदम थम्स अप करा बरे, फिर मुझे चलिए कल कौन सी मेंटी है, आपको स्केड्यूल मिल जाएगा, युवराज सर लेते ना वो, क्वेश्चन भी मिलेंगे बेटा, क्वेश्चन भी मिलेंगे, ओके। सर इससे ग्राफ मिलेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल ग्राफ मिलेगा, इसका ग्राफ होगा बच्चों आपके लिए, इसका मतलब इसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ होता है, मैंने अभी अभी बोला ग्राफ दिखा रहा हूं बच्चों, साइन का ग्राफ तो हमेशा इसको करने का काम ही नहीं, ये आपका ई नॉट है पॉजिटिव ऊपर, इधर ये और इधर नीचे, अब देखो बच्चों ध्यान से देखना यहां पे, अब ये माइनस कॉस है, ध्यान रखना साइन का ग्राफ होता है पॉजिटिव साइंस का, ये पॉजिटिव साइंस, अगर आपका ग्राफ साइन निगेटिव रहा तो ये ग्राफ होगा माइनस साइन का ग्राफ है बच्चों, देखो प्लस है इसलिए ऊपर से, माइनस है तो नीचे से, सेम टू सेम बच्चों कॉस का जो होता है ध्यान रखना पॉजिटिव वाला कॉस ही है, पॉजिटिव कॉस थीटा है, अगर निगेटिव रहा ना तो ध्यान रखना बच्चों ये निगेटिव कॉस होता है, अब यहाँ पे निगेटिव कॉस है बच्चों तो ऑब्वियसली आप नीचे से स्टार्ट करोगे, ध्यान रखना ये ग्राफ इसको मिलना चाहिए, ये ग्राफ बराबर यहां से यहां होना चाहिए, ओके ठीक है, यहां पे पीक वैल्यू आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए, आना चाहिए और यहां से बराबर यहां, ये बराबर यहां पे और ये बराबर यहां पे मिलना चाहिए, लेकिन ये ग्राफ ध्यान रखना बच्चों, पहले ग्राफ में भी आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, मैंने पहले ग्राफ में भी आपने देखा होगा, तो देखो बच्चों इसमें करंट का ग्राफ छोटा होता है,
क्योंकि रेजिस्टेंस अपोज करता है. रेजिस्टेंस क्या करता है बच्चों? अपोज करता है. ध्यान रखना, करंट का ईएमएफ का बड़ा ग्राफ. आप बोलेंगे सर करंट का छोटा क्यों? क्योंकि करंट का फॉर्मूला बच्चों ई नॉट बाय आर, मतलब डिवाइडेड बाय आर है बच्चों. इसकी जो वैल्यू होगी इसमें से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब छोटा होगा. ये करंट छोटा, ईएमएफ बड़ा. क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? और ईएमएफ का फॉर्मूला होता है I into R, मतलब I times of R है, मतलब EMF बड़ा ही होगा, बड़ा ही होगा बच्चों. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आनी चाहिए. करंट छोटा क्योंकि डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है. समझ में आ रहा है बच्चों? ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पकड़ना पड़ेगी. ये समझ में आ गया बच्चों? थोड़ा सा करंट का कहीं ना कहीं ग्राफ निकाला मैंने I नॉट प्लस, यहाँ पे भी थोड़ा सा छोटा निकालना है माइनस आई नॉट. ठीक है, ये पाई बाई टू है, पाई बच्चों पाई बाई टू है, चॉइस पा है और ये ओमेगा है. आपको फेसर डायग्राम निकालनी है. ओके, तो फेसर डायग्राम कैसे निकालोगे बच्चों? देखो ये ईएमएफ है आपका बच्चों, आई नॉट पता है आपको. ओके, ईएमएफ है और करंट जो होगा बच्चों लैग कर रहा, मतलब पीछे होगा. लेकिन करंट की जो दिशा है बच्चों देखो 90 से 90 है ना पाई बाय टू, तो 90 है तो यहां आएगा कहीं. लेकिन करंट का थोड़ा सा ग्राफ नीचे दिखाना है बच्चों, कम इसका बड़ा इसका छोटा बच्चों, इसका बड़ा इसका छोटा. ओके, ये आई नॉट का है. तो लैग कौन कर रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? लैग कौन कर रहा है? लैग कौन कर रहा है बच्चों? करंट कर रहा है, मतलब पीछे. लीड कौन कर रहा है? ईएमएफ, ये भी बोल सकते इंडक्टर में. ओके बच्चों, इसके ग्राफ में ऐसे भी ग्राफ दिखाते हैं, यहाँ पे ई एल और यहाँ पे ये आई एल, ये भी दिखाते बच्चों, ये ऐसा दिखाते. जब एलसीआर सर्किट निकालूंगा तब ये फेसर डायग्राम शॉर्टकट में याद रखना है बच्चों. क्या करना है? शॉर्टकट में याद रखना है. दूसरी बात बच्चों, यहां पे इसका जो इंडक्टेंस होता है इसको एक्सएल कहा जाता है, वो होता है ओमेगा एल बच्चों. क्या होता है मेरे बच्चे? ओमेगा एल. ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और यहां पे एक्सएल इज इक्वल टू टॉइस पाई एफ एल भी लिख सकता हूं बच्चों. और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नोट डाउन करके रखना, दुआ लगेगी मुकेश सर की भाई. अगर मुकेश सर की दुआ चाहते हो तो इसको लिख के लेना पड़ेगा बच्चों. ओके, ध्यान रखना, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल बढ़ेगा, तो करंट क्या होगा बच्चों? करंट डिग्रीज होगा. अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, पता है ना, जैसे रेजिस्टेंस वैसे रिएक्टेंस, जैसे इंडक्टेंस का रिएक्टेंस है वैसे रेजिस्टेंस है. तो बच्चों ये इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई तो शायद बच्चों हाई फ्रीक्वेंसी पे करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा. मतलब बच्चों यहाँ पे एक बात समझ में आ रहा है कि भैया फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ऐसे होगी, फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करोगे, फ्रीक्वेंसी अगर आपने इन्फिनिटी कर दी तो बच्चों यहाँ पे एसी ब्लॉक हो जाएगा. ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एसी ब्लॉक होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम 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 जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मतलब एसी को ब्लॉक भी होने का चांसेस है, एसी ब्लॉक भी होने का चांस. मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? बट डीसी को अलाउ करेगा ये क्या करेगा बेटा? डीसी को फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डीसी डायरेक्ट करंट है. डीसी का मतलब डायरेक्ट, इसको फ्रीक्वेंसी कहा, एसी को फ्रीक्वेंसी होनी, देखना ये एसी की फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं बच्चों, है ना. तो डीसी को ये अलाउ करेगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही? अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी, हाई फ्रीक्वेंसी रही, तो एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को अलाउ करता है. आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है, ये ग्राफ मैंने पूरे बता दिया आपको, ये पूरी कहानी बता दी इंडक्टिव रिएक्टेंस. देखो एसी सर्किट ब्लॉक करता है हाई फ्रीक्वेंसी पे, डीसी को अलाउ करता है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको. अभी हम लोग देखने वाले कैपेसिटर. क्या देखने वाले बच्चों? कैपेसिटर देखने. ध्यान रखना, अगर आपने एसी के अक्रॉस में कैपेसिटर इस्तेमाल करोगे क्या होगा? यहाँ पे करते बच्चों, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, ये कैपेसिटर है आपके पास, कैपेसिटर की दोनों प्लेट सेम होनी चाहिए और यहाँ पे मैंने
लगा दिया बच्चों, क्या लगा दिया, एसी। एसी कितना होता है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कैपेसिटर है बच्चों, ठीक है। और इसके पास आपको करंट एक्चुअल में मिल रहा है आई नॉट बच्चों कॉस ओमेगा टी, बट मुझे इसके फॉर्म में आंसर चाहिए। तो मैंने बोला ये काम करते हैं सर, देखो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, देखो ना कॉस पता है ना, साइन थीटा प्लस 90 कॉस थीटा, फार्मूला पता है बच्चों आपको, यस अनुज करेक्ट बोल रहे, एसी को ब्लॉक करता है डीसी को अलाउ करता है ये, यस सर फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, अब बोल सकते हो कोई टेंशन नहीं बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन वो खाली इसमें होगा इंडक्टर में ही होगा, कैपेसिटर में ये नहीं होने वाला है कि फ्रीक्वेंसी और करंट का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली, वो बात ध्यान रखनी है कि आप क्या मान रहे हो, वो इंडक्टर है या कैपेसिटर है, देखते हैं बच्चों, ओके। अब आपको समझ में आया होगा सर ये और ये दोनों सेम भाई भाई है, इसका मतलब बच्चों ग्राफ निकालोगे तो इस ग्राफ में क्या दिखाई देता है, देखो बच्चों ये आपका ईएमएफ है पॉजिटिव जीरो बच्चों, और ये है हमारा बच्चों ये कॉस की वेवफॉर्म इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल के लिए, और वो पॉजिटिव है तो ध्यान देना करंट थोड़ा सा नीचे से निकालना पड़ता है ना, ऐसा यहाँ पे मैक्सिमम पिक आना चाहिए, करेक्ट है। देखो बच्चों ये आई नॉट है पॉजिटिव, अरे छोटा सा ये थोड़ा छोटा क्यों निकाल रहा है आपको बताया बच्चों, ये पाई बाय टू है, पाई है ये पाई बाय टू है बच्चों, और ये फेसर डायग्राम में हम लोगों को क्या मिलने वाला है, फेसर डायग्राम देखिए यहाँ पे फेसर डायग्राम में ये ईएमएफ है हमारा, ईएमएफ तो यही आने वाले, अब करंट लीड कर रहा है पॉजिटिव, देखो साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू का मतलब करंट लीड कर रहा है आगे बच्चों। और दूसरी एक बात बोलूं बच्चों, इसका ट्रिक्स बताने वाला हूं हाउ टू रिमेंबर लीड और लैग, लीड कब करेगा लैग कब करेगा, इसकी भी ट्रिक्स मैं आप लोगों के सामने यहां पे प्रेजेंट करने वाला बच्चों, पहले इसको सोचो, देखो आगे जाना इससे लेकिन छोटा ग्राफ होना चाहिए, ये जितना बड़ा ग्राफ है उससे छोटा होना चाहिए, देखो छोटा ही ये बड़ा है ना बच्चों, ई नॉट का बड़ा है क्योंकि बच्चों ईएमएफ ज्यादा होता है बच्चों। मुझे मेरा सवाल है आपको पता लगा कि ये लीड कर रहा है करंट लीड कर रहा है, और यहां पे कैसे करते पता है, यहां पे ये ईसी है और करंट, ये ग्राफ ऐसा दिखाने वाला हूं ऐसा बच्चों ध्यान देना, कैपेसिटर का काम क्या बच्चों, चार्ज को स्टोर कर रहा मतलब करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। और इंडक्टर का काम क्या है, देखो कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना, चार्ज स्टोर कर गया मतलब करंट बढ़ रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है बच्चों, करंट इंक्रीज कर रहा है। इंडक्टर का काम क्या है बच्चों, देखो ये कैपेसिटर ये इंडक्टर, इंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस, अरे बेटा वायर को वाउंड किया रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये लेंथ बढ़ रही है ना वायर को वाउंड करना मतलब बच्चों इसमें होगा क्या, रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब करंट कम होगा, तो यहां पे क्या बोलोगे बच्चों, करंट लैग कर रहा है, करंट क्या कर रहा है लैग, ये मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों, इंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम होता है घटता है मतलब करंट लैग कर रहा है, और कैपेसिटर में हम लोग चार्ज को स्टोर करते हैं इसलिए करंट बढ़ेगा मतलब लीड करेगा बच्चों, क्या बोलेगे आप लोग, लीड, करंट क्या कर रहा है बच्चों, करंट लीड कर रहा है, क्या मेरी ये बात समझ में आई, कैसे समझ में आएगा सर लीड कर रहा है लैग कर रहा है कैसे याद करे बच्चों, मैंने आपको फंडा बता दिया, संडे ऑफ अंडे रोज खाई अंडे, समझला असल तो थम्सअप करा, वो समझला असल तो थम्सअप करा मतलब खोलू तो दिया आपसे जू करंट लैग, ये समझ में आया तो थम्सअप करो कि इंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम होता है, समझ में आया होगा तो बताना है, थम्सअप करना है बच्चों, थम्सअप से पता लगता है मुझे कि आप लोग कितना नॉलेज गेन कर रहे हो, हाँ जी क्लियर है सर, ओके राठौड़ साहब यस बोल रहे हो, चलो समझ में आया तो थम्सअप तो करते जाओ, ओके
आगे बढ़ते बच्चों, कोमल थोरत कहती कि प्लीज रिपीट। बच्चा मैंने ये बोला कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने का काम होता है। चार्ज स्टोर होना मतलब चार्ज मतलब करंट, चार्ज फ्लो मतलब करंट, तो करंट बढ़ रहा है। इंडक्टर में क्या बेटा, वायर को वाउंड करते हैं। वायर को वाउंड करना मतलब लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब करंट कम, कम मतलब लैग, समझे क्या? यह समझ में आना चाहिए। चलो बच्चों, इसमें एक इसका जो कैपेसिटी रिएक्टेंस होता है, इसका कौन होता है कैपेसिटी, और वो होता है 1/ωc। xc इज इक्वल टू 24/fc। बच्चों ओमेगा की वैल्यू तो पता है ना, अभी रिलेशन था हमारा, रोटेशनल डायनेमिक्स से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। यस और नो बच्चों? क्लियर सर? सिंपल टॉपिक विद द लेस फार्मूले। यस करेक्ट है बेटा। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा। इनवर्स है ना बेटा, देखना कैपेसिटर में अगर मैं एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना समझते हो ना बच्चों, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब देखो नंबर्स ऑफ यूज बढ़ाना, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, बढ़ गई फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम, तो बच्चों करंट क्या होगा, करंट क्या होगा बच्चों, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो करंट बढ़ेगा। ये कैपेसिटिव सर्किट है बच्चों, कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहा हूँ। क्या बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात समझ में आ गई मेरे भाई? सेल्फ ओहर कहता है कि डज नॉट, डिडंट अंडरस्टैंड, डोंट अंडरस्टैंड। बेटा अब अभी आ गए क्या, अभी आ गए? जो बच्चे अभी आ गए उनको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। सेल्फ ओवर, आप अभी आ गए हो अयुब, शायद जो बच्चे अभी अभी आते उनको प्रॉब्लम होती है, पहले से लेक्चर में जो होंगे उनको पता ही है। ओके चलिए, मतलब बच्चों ये फ्रीक्वेंसी अगर हाई रही या लार्ज रही, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रही समझो, ओके, तो बच्चों क्या होता है, वो एसी को अलाउ करता है, एसी को अलाउ करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो करंट भी ज्यादा, करंट ज्यादा मतलब एसी को अलाउ कर रहा है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो, अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी जीरो कर दी, फ्रीक्वेंसी जीरो तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। बच्चों देखो फ्रीक्वेंसी अभी यहां पे क्या हो रहा है, एक्सी है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी बहुत कम, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तो करंट ना फ्लो होगा, फ्लो ही नहीं होगा, करंट फ्लो होगा क्या, फ्लो होगा क्या, नहीं होगा बच्चों, मतलब डीसी को ब्लॉक होगा बच्चों, डीसी क्या होगा, ब्लॉक होगा बच्चों, ब्लॉक होगा, एसी को अलाउ करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा, ये कैपेसिटी से। बढ़ते बच्चों आगे, अभी एलसीआर सर्किट देखते हैं हम लोग, तीनों को कंबाइन किया, सीरीज में लगाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, कैपेसिटी एसी को, यस करंट लीड कैपेसिटर एंड करंट लैक इंडक्टेंस, वेरी गुड बेटा। सर कोई मेगा लेक्चर लो ना, ओके करता हूँ बेटा, सर चैप्टर रीड करने से बात है, करना चाहिए मेरे ख्याल से, संजू बॉय के लेक्चर वाला मोमेंट याद है, ओ संजू बाबू को भी बोलता हूँ भैया लेक्चर लेने के लिए। चलिए ओके, अब देखते बच्चों, ये है एल सी आर सर्किट। मैंने बोला था बच्चों एल में क्या होता है बच्चों, ईएमएफ लीड करता है, करंट लैग करता है, यहाँ पे कैपेसिटर में करंट ज्यादा होता है, लीड कर रहा है ईएमएफ, यहाँ पे दोनों सेम होते हैं, करंट और ईएमएफ सेम। बच्चों इसके थ्रू हमने एक इक्वेशन बनाया, जिस इक्वेशंस को याद रखना है और उसी को आगे लेके जाना है बच्चों, हमको इम्पीडेंस चाहिए। क्या चाहिए बच्चा? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ यहाँ पे आर स्क्वायर, वो एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये इम्पीडेंस है। लेकिन कभी कभी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी रहा, मतलब कैपेसिटी रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर का सेम रहा,
तो यहाँ पे ओनली रूट ऑफ आर स्क्वायर रहेगा, ये तो जीरो बनेगा ना, तो ये जेड इज इक्वल टू आर बनेगा बच्चों। मतलब ये प्योर रजिस्टिव सर्किट बोल के बिहेव करने लगेगा। भले आपके सर्किट में ये इंडक्टेंस हो, कैपेसिटर्स हो बच्चों, और साथ में इंडक्टेंस कैपेसिटर एंड रजिस्टेंस हो, लेकिन इस सर्किट में भले आपको दिख रहे हैं ये सर्किट, लेकिन ये सर्किट बिहेव करने लगता है ओनली रजिस्टिव सर्किट जैसे। कब? अगर इसकी और इसका रिएक्टेंस सेम हो तो बच्चों, रिएक्टेंस सेम हो तो। ऑल इज वेल बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके। अगर मुझे इसका डायरेक्शन निकालना, टेन फाइव निकालना बच्चों, फिर ट्राइंगल निकालना, ये ट्राइंगल बच्चों, ये एक्सएल माइनस एक्सी है ना। अगर ईएमएफ के हिसाब से हमने इसके पहले निकाला होगा, ईएल को ऊपर, ऊपर क्यों बच्चों, लीड करता है, ईसी नीचे होता है, सबको पता है बच्चों। यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, पीआर होता है रेजिस्टेंस, ये पता है। अगर मुझे ये ई नॉट मैक्सिमम निकालना है बच्चों, ये फेसर डायग्राम बनेगी, तब बच्चों इसमें से ईएल माइनस बनेगा। यस बच्चा, बात समझ में, ये ईआर है, तो इसके हिसाब से ये आ गया, क्योंकि आपको पता है ईएल का जो रिएक्टेंस बच्चों एक्सएल है, इसका ईसी है और इसका आर है, तो वही डायग्राम है। फेसर डायग्राम टेन फाइव इज इक्वल टू हाइपोट, बच्चों मुझे बताओ टेन क्या होता है, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। ओके, बात समझ में आ रहे बच्चों, तो ये अपोजिट है एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर है। चलो आगे बढ़ते हैं, पावर इन एसी, बच्चों पावर क्या होता है, पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं। ओके, वर्क अपॉन टाइम, ये फार्मूला। लेकिन बच्चों हम लोग करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये ही पावर बच्चों बनता है, वी आई बनता है बच्चों। अब वी ही मतलब इसमें ई मतलब बोल रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ ठीक है। फॉर डीसी सर्किट पावर इज मेजर द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये रखा है मैंने। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पावर इन एसी सर्किट, अगर आपका प्योर रजिस्टिव सर्किट हो, कौन सा सर्किट हो बच्चों, प्योर रजिस्टिव सर्किट है, प्योर रजिस्टिव सर्किट है, तब देखो ये सर्किट की बात कर रही है, ये कहते हैं हमारे पास ये है बच्चों, और ये रजिस्टर लगा वाला है ऐसा, तब बच्चों इसका ईएमएफ होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये रजिस्टर, तब बच्चों हमारे पास इसका जो एवरेज पावर है, ये जो एवरेज मिलता है पावर का, तो ई आर एम एस मल्टीप्लाई आई आर एम एस, ध्यान रखना, जब प्योर रजिस्टिव सर्किट हो तब हमारे पास एवरेज पावर क्या होता है, ई आर एम एस, ई एम एफ ऑफ आर एम एस मल्टीप्लाई करंट ऑफ आर एम एस का प्रोडक्ट मिलता है बच्चों। चार्जिंग नहीं है, मिनी कदम, ओके चलो बढ़ते बच्चों आगे। हाँ जी, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर रहा, अगर यही सर्किट इंडक्टिव सर्किट रहा, इंडक्टिव सर्किट रहा, तो इसका एवरेज पावर निकालने की कोशिश की हमने, तो एवरेज पावर बच्चों इसका पी जो एवरेज है वो जीरो मिलता है, कितना मिलता है बच्चों, जीरो। हम सीईटी पढ़ रहे हैं इसलिए डिटेल में कोई भी ये इक्वेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। मैंने भी ड्रॉप किया था पर मुझे इतना नहीं समझ रहा है, कोमल थोड़ा बेटा समझ में आएगा। देखो एक तो मेंटालिटी होती है बच्चों सक्सेस किसको मिलता है, मेरा जवाब है आपसे, सर मैंने साल भर स्टडी की है, मेरी पूरी स्टडी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल में मैं नहीं कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन होता हूँ, डिमोटिवेट होता हूँ, वो बच्चे सक्सेस नहीं होते। सक्सेस वही बच्चे होते हैं इस समय बोर्ड की एग्जाम हो, सीटी की हो, नीट हो, जेडब्ल्यू हो, एग्जाम के पहले 15 दिन जो बच्चे स्टेबल रहते, कॉन्स्टेंट रहते, खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं और कंटिन्यू स्टडी करते हैं, वो बच्चे बच्चों 100% सक्सेस होते हैं। व्हाट इज द सक्सेस, सक्सेस क्या है बच्चों, सक्सेस ये है कि एग्जाम के पहले 15 दिन भले आपकी स्टडी कम भी रही, लेकिन इस समय प्रॉपर प्लान लेके आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हो, स्टेबल है,
दिमाग में भले कितने भी नेगेटिव थिंकिंग आ जाए उसको हटा दो बच्चों। हाँ आप बोलेंगे सर इतना इजी होता है क्या? हाँ जी हाँ इजी होता है। दिमाग के ऊपर जिसका कंट्रोल हो उनको चाहिए कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, मेरे पास अभी भी दिन है। रात दिन मेहनत करो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस फार्मूले प्रैक्टिस फार्मूले प्रैक्टिस फार्मूले 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 प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। श्योर बच्चों उनको कोई नहीं रोक पाएगा उनके जो भी एम होगा उसको अचीव करने के लिए। हाँ जी मैंने देखा है 17 साल से मैं MSTCET पढ़ा रहा हूँ और MSTCET में बस उन्हीं बच्चों को सक्सेस मिला है। लास्ट टाइम पे बच्चों जो बच्चे हमेशा खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं, यस सर बच्चों समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते बच्चों आगे। अभी कैपेसिटर के अक्रॉस में लगाते हैं हम लोग, कैपेसिटर के अक्रॉस में लगाना है और एवरेज पावर निकालना है बच्चों। अगर आपके पास कैपेसिटर हो बच्चों, क्या हो? कैपेसिटर हो ये, और कैपेसिटर के अक्रॉस में मैंने यहाँ पे लगा दिया EMF, तो इसका भी जो एवरेज पावर है बच्चों वो जीरो होता है। एवरेज पावर ओनली किसका मिलता है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस में बच्चों, इसके अक्रॉस में भी मिल रहा है। यहाँ पे इंडक्टर था हमारे पास, इस इंडक्टर के अक्रॉस में भी लगाया था, तब भी इन दोनों का भी जो एवरेज बच्चों पावर का वो जीरो था। बट हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस में EMF लगाया और इसका एवरेज पावर गिना। क्या गिना बच्चों? एवरेज पावर गिना, एवरेज पावर। तब बच्चों इसका एवरेज पावर जो था वो था ERMS और ये IRMS। बच्चों समझ में आ गया? कोई टेंशन है बच्चों? ये तीनों चीजों के लिए ये याद रखना है बच्चों। हम लोग क्या करने वाले इनको सीरीज में लगाएंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? सीरीज में लगाएंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, सीरीज में लगा देते हैं। सीरीज में लगा रहे इन तीनों को सीरीज में लगाया, LCR सर्किट बोलते हैं। और इसके लिए LCR देखो ये L है बच्चों आपका, ये C है मतलब कैपेसिटर, और ये रजिस्टर को लगा दिया बच्चों। ये L है, ये C है बच्चों, और ये R रजिस्टर। L R। आपको तो पता ही है बच्चों यहाँ पे EL फेसर डायग्राम IL होगा, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है बच्चों IC और ये EC 90 फेज डिफरेंस। यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं बच्चों I और ER में। ओके एक बात ध्यान रखनी, इसका जब एवरेज पावर निकाला तो मुझे ERMS IRMS और यहाँ औसत पाए। क्या बात समझ में आ रही बच्चों? क्या बात समझ में आ रही है या ना यार समझत असल तर सांगा, ताई भाई अक्का विचार करा पक्का, आणि समजत असेल तर फिजिक्सवर मारा शिक्का। हाँ जी ओके, या एवरेज पावर LCR पे। चलो आगे बढ़ते बच्चों, LC ऑक्सोलेशन क्या चीज़ है अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बच्चों ये क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर निगेटिव। इसका एक मैंने स्विच लिया बच्चों, कैपेसिटर फिलहाल में मेरे पास फुली चार्ज है, इंडक्टर लिया मैंने, स्विच ओपन है बच्चों, ये की जो है ओपन है ठीक है। जैसे की को मैंने क्लोज करूंगा, क्या करूंगा मैं की को क्लोज करूंगा, देखो कैपेसिटर ठीक है, इंडक्टर था हमारा, ओके बच्चों समझ में आ रहा है। जैसे की को क्लोज करूंगा यहां के कैपेसिटर के जो चार्ज है, देखो बच्चों जो चार्ज वो चार्ज बहुत ज्यादा थे पहले है ना, ये चार्ज इसमें से करंट फ्लो होगा, पहले इसमें कैपेसिटर क्यू नॉट था बच्चों और यहां पे करंट तो जीरो था, मतलब इसी के पास एनर्जी जो होती है 1/2 Q² / C ना, ऐसे ही होते हैं ना बच्चों, देखा होगा आपने। अब यहां पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा बच्चों, करंट यहाँ पे I0 जो था पहले वो जीरो था बच्चों, करंट जीरो था,
यहाँ पे आई नॉट जीरो होगा, मतलब करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? बात समझ में आ रही है? धीमे धीमे क्या होगा बच्चों, ये जो कैपेसिटर की पूरा डिस्चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं आएगा बच्चों, कोई चार्ज नहीं, पूरे की पूरा इस इंडक्टर के पास ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी बच्चों, मैग्नेटिक पूरी की पूरी आएगी, पूरी आएगी बच्चों। तो यहाँ पे 1/2 डेल आई नॉट स्क्वायर होगा बच्चों। पहले एनर्जी किसके पास थी? चार्जिंग कैपेसिटर के चार्ज के पास थी, 1/2 क्यू स्क्वायर पास थी। अब किसके पास है? कुछ आगे बच्चों, यहाँ पे कुछ है, आप देखो 1/2 क्यू बाय सी था, और यहाँ पे भी 1/2 एल आई स्क्वायर, मतलब कुछ कैपेसिटर के पास एनर्जी, कुछ इसके पास एनर्जी। अब क्या हुआ? पूरा की पूरा डिस्चार्ज हो चुका है और पूरी की पूरी एनर्जी इसके पास आ गई। धीमे धीमे क्या हुआ सर? धीमे धीमे अभी ये जो है ना कैपेसिटर दोबारा चार्जिंग होगा, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी, यहाँ निगेटिव चार्ज आएंगे बच्चों, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ये मेरा इंडक्टर था, अब कुछ एनर्जी, मतलब थोड़ी सी, देखो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी एनर्जी है। समझ में आ गया? धीमे धीमे क्या होगा बच्चों, और ये कैपेसिटर अपोजिट पोलैरिटी में पूरे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, जितने चार्ज से उतने चार्ज आएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो ये है, इसके पास नहीं है कोई मैग्नेटिक फील्ड, नहीं है, पूरा की पूरा दोबारा इधर रिवर्स बायस, मतलब क्या हो रहा है, चार्जिंग इसके एनर्जी इसके पास चले जा रही है, धीमे धीमे इसके पास, इसका कैपेसिटर की पूरी एनर्जी इसके पास, अब इसकी एनर्जी दोबारा कैपेसिटर के पास आ गई, मतलब बच्चों ऑक्सीलेशन हो रहा है यहाँ पे, कभी खुशी कभी गम, कभी गम कभी खुशी, है ना। फिर मॉक टेस्ट क्या दूँ? ये सर एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर वाली कॉन्सेप्ट जो अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था। यस यस यस, वेलकम मोटिवेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए पढ़ता हूँ बच्चों आगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला ये जो खेल है ये देख सकते हैं बच्चों। हम लोगों को फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी एसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसमें एक तो होता है बच्चों, जब जेड मिनिमम आई मैक्सिमम तब सीरीज रेजोनेंस बोलता है। जब जेड, जेड मतलब एक रेजिस्टेंस बच्चों, इंपीडेंस है, एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस मतलब रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है एलसीआर का। जब जेड मिनिमम तब करंट ज्यादा, जेड मिनिमम मतलब बच्चों रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, तब सीरीज रेजोनेंस है। अब जब जेड मैक्सिमम आई मिनिमम तब पैरेलल रेजोनेंस है। क्या ये पैरेलल रेजोनेंस? आगे बढ़ते बच्चों, यहां पे सीरीज में करंट ज्यादा होता है इसलिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जहां करंट ज्यादा वहां रेजोनेंस होता है। तो इसके लिए बच्चों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2 √LC, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2 √LC। एलसीआर सर्किट है बच्चों, जेड मिनिमम आई मैक्सिमम तो करंट की पीक वैल्यू होगी। बच्चों सवाल आया था सीईटी में 2022 में, यही रेजोनेंस ही है, सीरीज ही था, बट वह क्या उन लोगों ने ऐसा फंसा दिया बच्चों को, उन्होंने रेजिस्टेंस बोला बच्चों, तो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, करंट है ना ये यक्स है बच्चों, यक्स होगा, जो जेड बोलेंगे जेड, इंपीडेंस सबसे कम होना चाहिए, करंट मैक्सिमम, इंपीडेंस सबसे कम। ये इंपीडेंस वाला ग्राफ है बच्चों, इंपीडेंस वाला ग्राफ है, यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलती है जहाँ जेड हो बच्चों, ये जेड के लिए दिया वाला है, जानबूझकर उल्टा पूछा है। ये सवाल है 2022 के एग्जाम में सवाल है। यस बेटा करेक्ट है अनुज। यस सर, लेक्चर का टाइमिंग क्या है? 6 बजे होता बेटा, शाम 6 बजे होता है लेक्चर स्टार्ट होता है, टॉपिक खत्म होने के बाद लेक्चर खत्म होता है। ये समझ में आया? ये करंट के लिए और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये इंपीडेंस के लिए, इसका उल्टा ग्राफ जानबूझकर उल्टा पूछा है बच्चों। कोई उल्टा ग्राफ देख के नहीं क्या पैरेलल लगता है बच्चों, लेकिन वो करंट और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ये हमारे बुक्स में निकला है ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर एक, अगर आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको एक चीज से ध्यान रखना होगा, XL = XC, तब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए बच्चों। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR = हमने लिखा है 1/2 √LC बच्चों, टॉइस पाए, ठीक है। इंपीडेंस कैसे होता है? जेड कैसे होता बेटा? मैंने कहा था मिनिमम, तो करंट कैसे होगा?
मैक्सिमम ना करंट मैक्सिमम मिनिमम है ना. ओके व्हेन द नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फिट टू इट द एक्सपेक्ट ओनली वन फ्रीक्वेंसी. बच्चों जैसे कि 92.7 एफएम होता है बिग एफएम पता है आपको 93.5 एफएम रेड एफएम होता है बजाते रहो नाम तो सुना होगा बच्चों आप लोगों ने है ना. तनुज आई एम फ्रॉम गर्ल का नाम तनुजा है. अच्छा हाँ ये इधर लिखा है. ओ सॉरी सॉरी भाई. चलो चलिए व्हेन द नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फेड एयर जो चाहिए ना वही एक्सपेक्ट करता है और वो अच्छा आवाज आता है ना. फिर हम लोग गाने सुनते हैं अच्छी तरह से और जो नहीं होना ना उसको भैया नहीं लेता वो ओनली जो चाहिए उसी को लेता है. इसीलिए इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे एक्सपेक्टर सर्किट कहते हैं बच्चों. अभी वही फार्मूला बदला नहीं बच्चों फार्मूला बदला नहीं है. 1/2 √LC है. यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों करंट सबसे मिनिमम है जेड इम्पीडेंस मैक्सिमम. अगर मुझे ये ग्राफ बोलते तो बच्चों अगर मुझे जेड का और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का तो ये देखो ये ऐसा ग्राफ आता. लेकिन ये किसके बीच में रिलेशन बच्चों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और जेड का है. ये करंट और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना बच्चों इसमें गड़बड़ मत करना. आपको जानबूझकर उल्टा पूछेंगे तब आप गड़बड़ मत करना ठीक है ना. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होना चाहिए. फार्मूला पता है 1/2 √LC बच्चों. इंपीडेंस मैक्सिमम करंट मिनिमम है और इसको रिजेक्ट रिजेक्ट करने वाली फ्रीक्वेंसी ये शार्पनेस है बच्चों. शार्पनेस और रेजोनेंस क्यू फैक्टर निकालना है तो शार्पनेस सबसे ज्यादा पिक पॉइंट मिलता है. पिक पॉइंट मिलता है क्यू फैक्टर क्या होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये है और बैंडविड्थ मैक्सिमम इसके बीच में मिलेगा. अच्छी तरह से मुझे फ्रीक्वेंसी बीच में मिलेगा तो ये जो है ना बच्चों हायर और माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी हायर माइनस लोअर क्या हायर है लोअर फ्रीक्वेंसी करो. इनका रेशियो मतलब क्यू फैक्टर जितना पीक पॉइंट मिलेगा उतना हम लोगों को शार्पनेस अच्छा मिलता है बच्चों. शार्पनेस ओके चोक कॉइल क्या होता है बच्चों है ना ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खा लेता है बच्चों चोक कर देता है ना. और इसका पावर फैक्टर क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. ओके मुझे लगता है ये चैप्टर खत्म हो चुका है. कल इसके एमसीक्यूज होंगे. कल अपने दोस्तों को जरूर बुलाना और अच्छी तरह से तैयारी करना बच्चों. हम लोग चाहते हैं हर बच्चा हमारे जो है बच्चों आगे बढ़े और आगे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे. बच्चों प्रैक्टिस करो. सर क्वेश्चंस लो अभी नहीं बेटा क्वेश्चंस होना पॉसिबल नहीं है ठीक है ना. क्योंकि अभी 10 मिनट में क्या क्वेश्चंस लो. तो कल हम लोग क्वेश्चंस की बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे. तो कैसा लगा चैप्टर बताओ एक बार थम्स अप करो अगर आपको अच्छा लगा. चलो लव यू सर. थैंक यू बेटा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो उम्मीद करता हूँ PYQs लेता हूँ ठीक है कोई टेंशन नहीं. अवधूत यज्ञेश पाटिल रूपाली पाटिल मम्मी का नाम है मुझे पता है यार आपने. थैंक्स सर. ये मेरा सर PYQ लास्ट 3 AH के लिए तर चालतील का. हाँ क्रिश वही करना चाहिए बेटा वही करना चाहिए. कल याद से बच्चों बच्चों को बाकी बच्चों को भी बोलना है सभी बच्चों को PYQ लेने वाला हूँ टेंशन मत लेना. बाय एंड टेक केयर. थैंक यू.